लिया, पी लिया मैंने तो चाय भी पी ली। बरसात आते साल में एक बार, बस उसी टाइम यहाँ के सारे बुरा हाल हो जाते हैं। जैसे जैसे करते हैं वैसे फिर एक साल हो जाता है। हाँ, फिर वो जैसे ही ठीक करते हैं फिर वो वैसे ही हो जाता है। लेकिन इस बार तो ज़्यादा ही हुआ ना, इस बार तो खतरनाक ही हुई थी बरसात। भाई इस जगह का नाम है टपरी, चाय की टपरी होती है जैसे वैसे टपरी, वही नाम है इसका। भीड़ गाड़ियां देख रहे तुम, यहाँ के लोगों के पास गाड़ियां, घर उनके पता नहीं कहाँ है पहाड़ों पे, गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं रोडों पे। तो हमने इधर उधर करते रहना इन पुलों में, पहले हमने राइट जाना है फिर हमने लेफ्ट जाना है फिर राइट जाना है, क्योंकि इधर की सारी रोड दब गई है। इसीलिए बनाया पुल, और क्या, टेम्परेरी तो है ये, देख ना पूरी रोड दबी पड़ी है जो रोड थी इधर। तो ये आ गया दूसरा पुल, और हमें अभी पुलिस वालों ने फिर से रोका, चेक किया उन्होंने, भैया कहाँ से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हैं, अभी नारकंडा से आ रहे हैं। तो कह रहे चैनल कौन सा है आपका, हमने कहा जी लिखा हुआ है सफर का स्वैग, कह रहे चलो देखेंगे। हमने कहा जरूर देखना सर। मस्त मजा आने वाला है तुझे बर्फ में अभी। तो पहले की गिरी होगी। हाँ गिरी तो पहले की है, लेकिन हम जब मार्च में भी आए थे ना तो सुबह जब हम उठे थे ना चिटकुल में, तो भैया बर्फ गिर रही थी सवेरे उठते ही, ऐसा सीन था यहाँ का। बर्फ तो देख के जाएंगे इस बार, हम स्नोफॉल देख के ही जाएंगे हम घर। अब यहाँ से हमने कल जाना है इधर को सीधा, अभी हम जा रहे हैं इधर को। क्यों? और कल हम इधर से ही इधर जाएंगे काजा के लिए। इधर हम जा रहे हैं चिटकुल, तो काजा चलो, काजा इधर है तो वहाँ की जा रहे और परचम डैम, तो काजा चलो फिर वहाँ की जा रहे। तो दो चीज समझता नहीं है, काजा दूर अभी है, 350 किलोमीटर है। कौन काजा? 350 वाली बात नहीं है ना, तो? हमने इधर भी जाना है ना। अच्छा, चिटकुल भी जाना है। अच्छा, तो चिटकुल के लिए हमें अलग ही जाना पड़ेगा, ये डैम है परचम डैम, और ये हमारा आज का लास्ट पुल इधर का। अभी तो रास्ते में बहुत पुल मिलेंगे हमें छोटे मोटे। सांगला चितकुल है यहाँ से 40 किलोमीटर, चितकुल से पहले पड़ता है एक जगह सांगला 18। तो भैया चितकुल का रास्ता शुरू हो चुका है खतरनाक वाला, अभी तो ठीक ही है, ऊपर से होता है ये ज्यादा, मे भी हो सकता है ऊपर स्नो भी पड़ी होगी रोड पे। 2 घंटे दिखा रहा है 38 किलोमीटर के, 38 किलोमीटर के 2 घंटे। हम उस दिन सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं 2 घंटे कैसे दिखा रहा है सर 40 किलोमीटर के। तो अब पता चलता है ना यहाँ जब गाड़ी चलती है 20 की स्पीड पे, बहुत गायें मरी पड़ी हैं इस रोड पे, पता नहीं कैसे, कोई मेरे को लग रहा खतरनाक ही बाघ भूख लगा हुआ है क्या। 4 गायें दिख चुकी हैं अभी तक हमें मरी हुई रोड पे, पता नहीं क्या सीन है यार। खिड़की सही से बंद कर ले अपने भाई, तेरे पे ना घुसे हो ऊपर से। रोड दिख रहा है, ये यही रोड है, यही है वो। अब देख इस पर 2 गाड़ियों के लायक जगह है, हमारी गाड़ी पूरे पे चल रही है, बसें चलती हैं यहाँ। कहाँ तक खत्म है? बहुत दूर तक है, और इस पे अगर बस वस आ गई कहाँ जाएगी वो, सांगला तक है ऐसी शायद 11 किलोमीटर। किसी ने गाड़ी पार्क कर रखी है भाई रोड पे, कवर लगा के है? इस रोड पे गाड़ी पार्क करके कौन गया भाई, टैक्सी पार्क है। ओ एक्सीडेंटेड है, एक्सीडेंट हो रहा है इसका।
पंजी लगी हुई है इस पर। जय माँ शेरावाली। इधर भोले शंकर भी हैं, बाबा जी की गुफा है इधर। यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रोन शॉट लेते हैं यार, बढ़िया व्यू आ रहा था यहाँ पे। और फिर अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। यार ड्रोन तो हमने उड़ाया था लेकिन हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, ड्रोन बहुत ही डिसबैलेंस हो रहा था, अनस्टेबल था वो हवा में भी। तो हमने कहा चलो थोड़ा ही उड़ाया हमने, उसके बाद उतार दिया हमने उसे नीचे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अपनी जगह में जहाँ पे उसे रख रहे थे वहाँ पे वो रुक ही नहीं रहा था, इतना अनस्टेबल इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो आगे देखेंगे फिर, आगे कहीं पे अगर हवा हुआ ना हो जहाँ पे वहाँ पे उड़ाते हैं, और जहाँ पे थोड़ी स्नो वगैरह हो वहाँ पे मजा आएगा उड़ाने। भैया धूप इतनी तेज लग रही है ना यहाँ, सेम लद्दाख ट्रिप वाली याद आ गई है, इतनी गर्मी हो रही है गाड़ी में धूप से। और टेम्परेचर क्या दिखा रहा है अभी यहाँ, -2 टेम्परेचर है बाहर, और गाड़ी भी ठंडा नहीं कर रही है साला भैया। और इतनी गर्मी धूप की वजह से बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा आती है देखिए सामने से एकदम से गाड़ी। वेलकम टू तुक्पा वैली में एंट्री हो गई भैया हमारी। सांगला यहाँ से रह गया 3 या 4 किलोमीटर होगा, पेट्रोल पंप भी हो गया यहाँ। अच्छा ओके पेट्रोल पंप, कल जाते समय के नहीं भरा लेंगे यहाँ से। सांगला तो पूरा कमर्शियल हो गया, पहुंच गए सांगला, पूरा कमर्शियल हो गया सांगला में, पूरे होटल ही होटल। जनरली लोग सांगला ही आते हैं रुकने के लिए ना, और उसके बाद चिटकुल होके वापस आ जाते हैं, जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो बस आई थिंक यहीं तक आती है शायद सांगला तक, क्योंकि बस स्टॉप है ना यहाँ पे। चिटकुल तो पता नहीं जाती है कि नहीं जाती है, जितने भी हिमाचली लोग होंगे ना उनकी पहचान है उनकी टोपी, सबने टोपी लगा रखी है। जय भगवती गंगा मैया। अच्छा गंगा मैया अलग है, भगवती गंगा मैया अलग है। अब देखिए बर्फ सामने दिख रही है, खतरनाक बर्फ। ओ देख क्या एवलांच आ रखा है वहां बीच नीचे, थोड़े थोड़े रोड नहीं वो बीच बीच आ रखा है, जो पूरा बर्फ ही बर्फ, बहुत बर्फ गिरी है वहां, देख रहे पूरा उसके बीच में रोड है वो आ रखा है, मलबा मलबा सब पूरी रोड उसी के बीच में बना रखी है टेम्परेरी। तो भैया ये पहुंच गए हम बर्फीली वादियों में, पुरानी गिरी पड़ी है यहाँ तो, लेकिन अभी तक है बर्फ। चिटकुल में भी ऐसा ही हाल होगा, ये तो कौन सी जगह है, रक्षम है ये जगह, रक्षम। फिर वो कल मैं आखिरी ढाबे से चाय पिलाऊंगा,
आखिरी ढाबे से चाय, इंडिया के आखिरी ढाबे से। क्या ही नज़ारे हैं देखो यहाँ पे, वाह। बस चिटकुल यहाँ से 10 किलोमीटर है, 8-10 किलोमीटर, उससे थोड़ा सा पहले हम रुके हुए हैं। बर्फ का अलग मजा है, बर्फ का अलग ही मजा है यहाँ। ये देख यहाँ रोड ही नहीं है, यहाँ पूरा ऊपर से सब वो आ रखा है, ये स्लश हो रखा है बहुत, पूरा बर्फ से। जगह कहीं है ही नहीं। रुक जा, रुक गया, रुक गया। वहां पे कोने में है ना, रोक जा इसने पहले। आ गए भैया चितकुल, इंडियाज लास्ट विलेज, लास्ट विलेज है इंडिया का। इस पे हमारा स्टिकर भी होगा, उसको देखते हैं, हमने भी चिपकाया था इस पे, कभी है कहीं लगा हुआ, हमारा पुराना स्टिकर लगा हुआ है इस पे। ये रहा सफर का स्वैग। लास्ट ईयर आए थे हम जब, तब हमने लगाया था इस पे। तो गाइज अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको बहुत मजा आ रहा है हमारी वीडियो देखने में, और अगर आप ऐसे ही देखते रहते हैं और अभी तक जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो रेड है, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार सब्सक्राइब करो उसे और लाइक ठोको, तभी तो हमें जोश मिलेगा, तभी तो हम इतनी खतरनाक एक्सट्रीम जगह जगह जाएंगे, आपको इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के दिखाएंगे। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और हम जा रहे हैं नीचे नदी में। फिसल रही है गाड़ी, जीरो में जा रही है। कुत्ता भी आ गया था, इसकी फोटो कुत्ते की। यहाँ कुछ नहीं है क्या रुकने के लिए? यहाँ तो रुकने का है ही नहीं, नीचे बोल तो रहा। यहाँ है क्या? प्योर वेज गुजराती, यही पता करें गुजराती है। ओए हो इधर जाऊंगा भी, क्या है गोबर गोबर पड़े। ओ हो भाई, अरे ज्यादा मत लगाओ ना, नीचे जाना बेकार है, वापिस जाना पड़ेगा।
मेरा बंदा है, तो पूछी वहीं का है नहीं, कोई दिख नहीं रहा। गलत तो नहीं घुसा दी हमने गाड़ी? तेरे को उतरना पड़ेगा, रुक जाओ। वो बोलने ना, तो तुम गए ही गलत। एक बार फिर से ले लिया हमने खतरनाक वाला रास्ता। आज कैंपिंग करेंगे हम नदी के किनारे। ओ भाई 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 भाई, ओए ओए, ये वाले आना मुश्किल ना हो जाए कहीं। तेरे को पहले पूछ के आना पड़ेगा वहां। ओह माय गॉड, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा ही ले लेते। क्यों, यहाँ मजा आएगा ना? क्या मजा, क्या आएगा? यहीं तो आएगा मजा। यहीं आएगा भैया मजा। नदी में कैंपिंग की जाएगी, नदी के पास है? मस्त नदी के पास कैंपिंग करेंगे आज। पता करके आ भाई तू पहले। यही तो है कैंप का है, वहीं ले जाएंगे गाड़ी। जाएगी वहां? जाएगी ना। जा, यहाँ पे बीच में नदी है क्योंकि छोटी सी, छोटी सी। पता करिए रूम है, रूम अवेलेबल है। हाँ आ जाएगी गाड़ी। आ गया वैसे ऑडियो
चल यहाँ पे कॉटेज लिया यार भाई, ठंडा इतना खतरनाक हो रखा है। ये खड़ी है हमारी हिंडेवर बर्फ के ऊपर। अब सुबह की दिक्कत है, सुबह स्टार्ट होगी कि नहीं होगी कुछ पता नहीं है। बिल्कुल बर्फ में खड़ी है क्योंकि, और ये रही नदी बगल में, मस्त नदी जा रही है बगल में और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो इस बार हमने चितपुल में नीचे नदी के पास ये कॉटेज बुक किया है अपना, ये वाला है हमारा बीच वाला। तो गाइस आज का हमारा डेस्टिनेशन हम पहुंच चुके हैं चितपुल। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, देखो चारों तरफ स्नो पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा ही ठंड है। अब अंदर जाते हैं रूम में और आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम नाको होते हुए मे बी टाबो रुकें या क्या पता नाको रुकें कल, तो कल हम अपने वाइट स्पीति का या विंटर स्पीति कह लो उसका थर्ड एपिसोड, या मे बी हो सकता है ये फोर्थ हो, क्योंकि आज का व्लॉग शायद दो हिस्सों में आएगा, मे बी हो सकता है। तो ओके गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस बाकी क्या कहना आपसे, बाकी आपका ही सपोर्ट हमें ऐसे ऐसी एक्सट्रीम जगह भेजने में। यार जबान लकड़ा रही है, इतनी ठंड है क्योंकि यहाँ पे। ओके गाइस बाय बाय, मिलते हैं कल।